ये है चाइनीज पॉम्फ्रेट बोल के बोले थे, अब तक कभी नहीं पकाया इसको, तो आज पहली बार पकाएंगे। चलो इसको अच्छा से साफ कर देंगे। अभी इसके ऊपर तेल डालेंगे, ऑयल तो पूरा गर्म हो गया, अब डाल देंगे ये फिश को। तो एक साइड अच्छा सा फ्राई हो गया, अब इसको पलटाएंगे। ये तो पूरा अच्छा सा फ्राई हो गया, अब इसको निकाल देंगे और मसाला बनाएंगे। चलो फिश को तो अच्छा सा फ्राई करके रख दिए, अभी उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। अब डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट बस, और एक स्पून नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, यह दालचीनी पाउडर, यह काली मिर्ची का पाउडर पूरा एक स्पून, यह फिश मसाला। अब डालेंगे इमली का जूस। अब इसको अच्छा सा मिला देंगे। मसाला तो पूरा रेडी हो गया और ऑयल तो वहाँ पे गरम है, अभी गरम ऑयल में थोड़ा सा मसाला डालेंगे। अभी रखेंगे फिश को, उसको ऊपर थोड़ा सा फिर से मसाला लगाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है मसाला, भी टेस्टी वाला है। तो एक साइड रख के 10 मिनट हो रहा, तो एक बार पलटा देंगे। ये स्टार्ट हो गया रखो कुछ भी। मसाला अच्छा से फ्राई हो गया पूरा। अरे इसको डाल देंगे अभी। चलो अभी इसको उठा के देखेंगे। ये तो एकदम रेडी हो गया है। चलो इसको अभी निकाल देंगे और आराम से खाएंगे।